हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? चलिए पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ साथ में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअल में क्या होता है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। एनसीईआरटी पे प्लीज फोकस करो। बार बार मैं आप लोगों को ये बात बोलती हूँ, रीजन यही है क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही लिमिटेड तरीके से आपको किसी भी चीज को एक्सप्लेन किया गया है। उससे एक्स्ट्रा आप लोग पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ सकते हैं और बहुत सारे, अगर आप चाहें तो, अगर हम रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम हर पार्ट के अंदर हम उनकी एपिथीलियल टिश्यूज के बारे में कि किस तरह के टिश्यूज प्रेजेंट है वो भी पढ़ सकते हैं, और बहुत सारा और डिटेल के अंदर हम उनके डिजीज वगैरह के बारे में और सारे बहुत चीजें होती है जो जान सकते हैं। तो हमें उतना सब कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लीज फोकस करिए ओनली ऑन एनसीईआरटी जो आपकी बुक है, ओके? तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस तक पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे उसको, टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल में वो पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा जो फीमेल गैमेट है उसके फॉर्मेशन पर एक बार वापस से थोड़ा सा रिवीजन के लिए एक छोटे से टॉपिक को वापस से पढ़ा रही हूँ ताकि अब कनेक्ट कर सके हमारे आगे वाले टॉपिक को, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग नेक्स्ट अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए, ओवरी है तो फीमेल की ओवरी के अंदर हम ये बोलते हैं कि फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है? अब ये क्या होती हैं या फिर एग जो है क्या है, हम लोग रिलेट नहीं कर पाते चीजों को, तो थोड़ा सा मैं इस चीज को समझा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के बीच में। चलिए अभी समझते हैं। देखिए, जब हम ये बोलते हैं फिटल स्टेज में जब कोई मतलब बेबी होता है जो फीमेल है, तो मतलब बेबी गर्ल के अंदर कंडीशन क्या होगी, जब वो फिटल स्टेज में होगा उसी टाइम पे ये जो हम ये बोलते हैं कि ऊगोनिया जो होती है ये क्या करती है, माइटोटिक डिवीजन करती है और माइटोटिक डिवीजन करके वो बना लेती है प्राइमरी ओसाइट्स। अभी समझिए टर्मिनोलॉजी को कि हम टर्म कौन सी किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये डायग्राम देखिए आपकी ओवरी का दिया गया है, ठीक है? इस ओवरी में आपको दिखाई है प्राइमरी फॉलिकल, ये स्टेज आपको बताई है। अभी देखिए प्राइमरी फॉलिकल में और प्राइमरी ओसाइट में क्या डिफरेंस है, क्या चीजें हैं उनको समझते हैं। तो देखिए, जब फिटल स्टेज के अंदर जो आपकी बेबी गर्ल है तो उसमें क्या होगा, उसकी ओवरी के अंदर कंडीशन ये होगी कि जो ऊगोनिया होती है, ऊगोनिया ये क्या करती है, माइटोटिक डिवीजन करती है, ठीक है? माइटोटिक डिवीजन की वजह से क्या होगा, माइटोसिस की वजह से एक सेल से बनती है चार सेल्स, ठीक है? मैंने मान लिया यहां पे एक ऊगोनिया है, इसने क्या किया है, माइटोटिक डिवीजन किया है, तो कितनी सेल्स बन गई, फोर सेल्स बन गई है। लेकिन जो बनी है सेल्स उनको हम क्या बोलते हैं, ऊसाइट्स बोल रहे हैं, ठीक है? बट ये कौन सी ऊसाइट्स है, ये प्राइमरी ऊसाइट सेल्स है। तो क्लियर रखिए इस चीज को कि प्राइमरी ऊसाइट्स जो है वो क्या होती है, माइटोटिकली डिवीजन किया, उसकी वजह से ऊगोनिया से फॉर्म जो सेल्स है उनको प्राइमरी ऊसाइट सेल्स बोला है, ऊसाइट्स, ठीक है? अभी शब्द याद रखिए। अब ये जो स्टेज है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं स्टिल, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन के बाद जर्म सेल से ये बनी है तो इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे 46, ठीक है? तो यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46, ये स्टेज है फिटल स्टेज के अंदर, ये कंडीशन है। नाउ उसी कंडीशन में, उसी स्टेज के अंदर, फिटल स्टेज में क्या होगा, ये जो प्राइमरी ऊसाइट्स है ये क्या करती है, मियोटिक डिवीजन करती है। अभी देखिए मियोटिक डिवीजन करते हैं तो क्या होता है, मियोटिक डिवीजन हमने पढ़ा, मियोटिक डिवीजन जो होता है वो दो, हम ये बोलते हैं कि हम ये बोलते हैं कि दो बार होता है मियोटिक डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, ठीक है? मियोसिस फर्स्ट एक्चुअल में क्या होता है, वो होता है रिडक्शनल डिवीजन, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रह जाते हैं हाफ, ठीक है? उसके बाद में फिर होता है मियोसिस सेकंड होता है, जो वो होता है इक्वेशनल डिवीजन, जिसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट जो है वो होता है कब, जब प्राइमरी ओसाइट रहती है कौन सी स्टेज के अंदर, जब फिटल स्टेज के अंदर ही है ना, बेबी गर्ल जो है जब वो अपनी क्या है, मदर की हम ये बोलते हैं कि वोम के अंदर है, उसी कंडीशन के अंदर उसकी ओवरी के अंदर क्या होगा, प्राइमरी ओसाइट का फॉर्मेशन होगा और वो प्राइमरी ओसाइट क्या करेगी, मियोटिक डिवीजन करेगी। लेकिन वो मियोटिक डिवीजन कहां तक करेगी, वो प्रोफेज फर्स्ट जो होता है ना उसी स्टेज को कंप्लीट कर रही है, ठीक है? प्रोफेज फर्स्ट को, यानी कि उसने मियोटिक फर्स्ट डिवीजन पूरा कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है? चूंकि यहां पे मियोटिक डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो गया बट कंप्लीट नहीं हुआ है, मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये जो है अभी भी क्या कहलाएगा, प्राइमरी ओसाइट ही कहलाएगी। यानी कि जब बेबी गर्ल जो है वो जब पैदा होती है तब उसके अंदर प्राइमरी ओसाइट्स रहती है, बट वो प्राइमरी ओसाइट मियोटिक डिवीजन करना स्टार्ट कर चुकी होती है, प्रोफेज फर्स्ट उसने कंप्लीट किया होता है बट मियोटिक फर्स्ट डिवीजन जो है वो कंप्लीट नहीं किया होता है, ठीक है? अब उनकी ओवरी के अंदर क्या होगा, अब ये जितनी भी प्राइमरी ओसाइट सेल्स हैं ये क्या करती है, अपने चारों तरफ हम ये बोलते हैं एक ग्रेन्यूलोसा लेयर जो होती है वो बना लेती है। जब ये ग्रेन्यूलोसा लेयर बना लेती है तो प्राइमरी ओसाइट्स प्लस ये जो ग्रेन्यूलेशन लेयर बनी है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स,
ठीक है, यानी ओवरी के अंदर बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स होती है, बट जब तक बेबी गर्ल जो है वो प्यूबर्टी तक आती है, अपनी किशोर अवस्था तक आती है, तब तक क्या होता है, उस स्टेज के आते आते कई सारी प्राइमरी जो फॉलिकल्स हैं वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। हम ये बोलते हैं कि अराउंड 60,000 to 80,000 जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो रह जाती है उनकी ओवरी के अंदर, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल इस स्टेज के अंदर प्यूबर्टी के अंदर सारी की सारी जो है आपकी इनकी प्राइमरी ओसाइट्स रहेंगी। क्लियर हुआ आप लोगों को? अब ये प्राइमरी जो आपकी ओसाइट्स हैं, जो अभी कवर्ड है ग्रेनुलोसा लेयर से, जिसको प्राइमरी फॉलिकल बोला, ये अगेन और क्या करेगी, चारों तरफ सराउंडेड हो जाएगी बाय द सेकेंडरी, और ग्रेनुलोसा लेयर उसके चारों तरफ जो है वो क्या हो जाएगी, इसको कवर कर लेगी। अब ये कंडीशन जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, सेकेंडरी। नाउ फिर क्या होता है, ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये भी अपनी ग्रोथ शो करेगी, है ना, ये भी अपना ग्रोथ शो करेगी, और ये जो प्राइमरी आपकी जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसके अंदर क्या होगा कि एक कैविटी डेवलप हो जाती है, उस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। तो एंट्रम ये जो कैविटी प्रेजेंट है और इसके अंदर कौन है, आपकी प्राइमरी ओसाइट सेल है, और इसके अलावा और इसमें क्या है, ग्रेनुलोसा लेयर जो है वो क्या हो गई, चारों तरफ से उसने उसको कवर कर लिया है। इस स्टेज को जब एंट्रम नजर आने लगती है इसको हम बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल, और जब टर्सरी फॉलिकल स्टेज आती है इस स्टेज के अंदर मियोटिक फर्स्ट जो डिवीजन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो मियोटिक फर्स्ट डिवीजन जब कंप्लीट होगा तो एक्चुअल में उसकी कंप्लीशन जो है वो अनइक्वल डिवीजन होता है, इसकी वजह से एक तो बनेगी आपकी क्या ऊसाइट, जो कौन सी ऊसाइट है आपके पास, इसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी ऊसाइट, ठीक है, सेकेंडरी ऊसाइट, और इसके साथ में एक बनेगी आपकी पॉलर बॉडी, जिसको हम ऐसा मानते हैं कि वो शायद डीजनरेट हो जाती है बट स्टिल कंफ्यूजन है, ठीक है। तो अनइक्वल डिवीजन की वजह से पॉलर बॉडी और सेकेंडरी ऊसाइट का क्या हो गया, फॉर्मेशन होगा। ये क्या हुआ है, मियोटिक फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हुआ है, यानी रिडक्शनल डिवीजन हो गया। नाउ ऊसाइट के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस ऊसाइट के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, हाफ, यानी 23 होते हैं उसमें क्रोमोसोम। क्लियर ये बात कि 23 क्रोमोसोम उनके अंदर हो गए। अभी देखिए वो चारों तरफ से हम ये बोल रहे हैं कि कवर्ड है विद द ग्रेनुलोसा लेयर, ये देखिए ये फॉलिकल ही है, और इसके अंदर हम ये बोल रहे हैं कि एंट्रम जो है वो प्रेजेंट रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी फॉलिकल बोलते हैं। नाउ टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट सेल्स होती है, ठीक है। देन ये मैच्योर हो जाती है, प्राइमरी ऊसाइट का जितना भी साइटोप्लाज्म था वो किसके पास है, अभी सेकेंडरी ऊसाइट के पास में, क्योंकि अनइक्वल डिवीजन हुआ है ना उसकी वजह से। तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ये मैच्योर फॉलिकल होती है, यानी कि जब ये पूरी तरीके से हम ये बोलते हैं कि डेवलप हो चुकी है सेकेंडरी ऊसाइट जो है उसमें मैक्सिमम साइटोप्लाज्म रहता है उसके हम ये बोलते हैं कि नरिशमेंट के लिए, तो हम ये बोल रहे हैं कि वो जो अभी जो सेकेंडरी ऊसाइट सेल्स विद मैच्योर जो आपकी इसकी ग्रेनुलोसा लेयर है उसको हमने बोला है ग्राफियन फॉलिकल। और इसी स्टेज के अंदर जब ये ग्राफियन फॉलिकल ये स्टेज जब आ जाती है तब क्या होता है, तब ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल यानी उसकी जो लेयर्स है वो तो रह जाती है किसमें, ओवरी के अंदर, बस जो इनकी सेकेंडरी ऊसाइट है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवम बोल रहे हैं, ये ओवम जो है ये क्या है, बाहर रिलीज हो जाता है, जो चला जाता है फेलोपियन ट्यूब में फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो जितनी भी वो ग्रेनुलोसा लेयर है ना, ये जो रेस्ट फॉलिकल का जो बाकी का हिस्सा रह गया है इसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है अगर प्रेगनेंसी होती है तो, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम एक्चुअल में क्या करता है, ये खुद हार्मोन रिलीज करते हैं, और वो हार्मोन कौन से होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है उसको रिलीज करता है। और ये प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है वो किस लिए चाहिए, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस के लिए चाहिए। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम उसको सिक्रेट करेगा हार्मोन को, ठीक है। अगर कंडीशन हुई कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाएगी। ये देखिए नष्ट हो गई, डीजनरेट हो गई। नाउ जब सेकेंड साइकिल शुरू होगा है ना, क्योंकि एक्चुअल में जो ये फॉलिकल्स जो होती हैं इन फॉलिकल का पूरा ये डेवलपमेंट है ना, फॉलिकल का सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी फॉलिकल का जो है वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हम ये बोलते हैं डेवलपमेंट जो हो रहा है ना, और कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन, ये जो जितने भी स्टेजेस हैं इसको पूरे को कंप्लीट करने के लिए हम ये बोलते हैं कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ये साइकिल जो होता है ना ये कंटिन्यू जो फीमेल्स होती है उनके अंदर चलता रहता है आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। तो उसको हम वो जो साइकिल होता है 28 डेज का साइकिल होता है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर हुआ? तो उसके अंदर ये क्या, उसमें क्या क्या होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एक तो ये फॉलिकल्स जो है इनका डेवलपमेंट भी होगा,
ओव्यूलेशन भी उसी का पार्ट है और उसके साथ में कुछ और चेंजेस भी आते हैं यूट्रस के अंदर, ठीक है, तो वो भी इंक्लूड है उस साइक्लिक चेंज के। तो हम ये बोलते हैं कि जितने भी हमारे हम ये बोलते हैं मंकी हैं, एप्स हैं या फिर जो ह्यूमन फीमेल्स हैं, इन सब के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होता है, 28 डेज का साइकिल होता है जिसमें फॉलिकल्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं एंड ओवियम जो है उसका वो क्या करती है, हम ये बोलते हैं कि रिलीज करती हैं जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं, एंड सम टाइम प्रेगनेंसी होती है, नहीं होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम ये बोलते हैं कि वहां पे हम ये बोलते हैं स्टॉप हो जाता है, अगर अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो देन कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। तो पहले तो ये फॉलिकल स्टेजेस जो है ये आपके क्लियर हो गई दिमाग में। चलिए हॉर्मोन्स भी याद रखिए, कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कर रहा है, फॉलिकल्स जो होती हैं वो भी हार्मोन रिलीज करती है, एक तो वो हार्मोन रिलीज करती है ईस्ट्रोजन, ठीक है, दूसरा वो हार्मोन रिलीज करती है इनहिबिन। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये इनहिबिन ईस्ट्रोजन ये हॉर्मोन्स जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस पूरे साइकिल के अंदर। तो फॉलिकल्स जो है वो भी हॉर्मोन रिलीज करती है, कार्पस ल्यूटियम जो है वो भी हॉर्मोन रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो ये याद रखिए। तो ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है बाय द फॉलिकल्स एंड इनहिबिन जो है वो भी रिलीज हो रहा है किससे, फॉलिकल्स की लेयर से, ठीक है, और कार्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन को रिलीज किया। अब हम पढ़ते हैं आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होगा। चलिए नाउ ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके अंदर हम ये पूरा 28 डेज का साइकिल है। तो जब ये मेंस्ट्रुअल हम ये बोलते हैं कि मेंस्ट्रुएशन ये कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारी जो यूट्रस होता है, यूट्रस का जो एंडो हम ये बोलते हैं कि जो लेयर है, एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो डीजनरेट हो जाती है और वो टिश्यूज ब्लड वेसल्स वगैरह जो है वो वेजाइना के थ्रू बाहर निकलते हैं, उस फेज को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब होता है, जिस एज में होता है, तो वो एज होती है 13 और उसको हम बोलते हैं मेनार्के। तो फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है उसको मेनार्के बोलते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अभी देखिए पूरा एक साइकिल जो होता है उसमें क्या होता है, हम ये 28 डेज से 29 डेज का हम ये साइकिल मान रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ये साइकिल रहता है। इसमें तीन फेजेस होती है, कौन कौन सी है, इस डायग्राम से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेंस्ट्रुएशन एक फेज है, सेकंड फेज जो है उसको हम बोल रहे हैं फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज हम उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तीसरी जो फेज है उसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज बोलते हैं या फिर सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। तो तीन फेजेस के अंदर हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है। तीनों ही स्टेजेस के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं हॉर्मोन्स के भी और ओवरी के अंदर और यूट्रस के अंदर, इन दोनों के अंदर भी साथ साथ में क्या होते हैं, चेंजेस चलते रहते हैं, ठीक है, और उसी के साथ में हॉर्मोन्स जो होते हैं उनका भी सिक्रेशन कम ज्यादा होता रहता है। तो उसी को समझते हैं क्या होता है। तो देखिए हम स्टार्ट मान रहे हैं मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड होता है उससे हम स्टार्ट मान रहे हैं कि साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं फर्स्ट हम ये बोलते हैं 1 से 3 या 1 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुएशन रहता है, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं, ये उस पीरियड को हमने बोला मेंस्ट्रुएशन। इस पीरियड में होता क्या है, देखिए इस पीरियड के अंदर क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम जो होती है यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है, ये हमने यूट्रस बनाया था और हमने बताया था कि इसके अंदर ये इस तरीके से हमने एंडोमेट्रियम बताया कि एंडोमेट्रियम जो होती है ये लेयर जहां पर हम ये बोलते हैं अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जायगोट जो होता है वो यहां आकर क्या होता है, प्लांट हो जाता है, जिसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी हो गई है। तो एंडोमेट्रियम जो अंदर की लेयर है, इस लेयर का क्या होता है, डीजनरेशन होता है, जिसकी वजह से वहां पे प्रेजेंट ब्लड वेसल्स वगैरह जो है वो सभी वेजाइना के थ्रू बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये हुआ 5 जो डेज का हुआ, इसको हमने मेंस्ट्रुएशन पीरियड बोला। अब इस पीरियड के अंदर क्या कंडीशन है, इस पीरियड के अंदर अगर आप देखोगे तो ये पीरियड जब चलता रहता है सेम टाइम पे, उसी टाइम पे आपकी जो ओवरी होती है उस ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स है उनका भी हम ये बोलते हैं डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है, ये डेवलपमेंट यहां पर हो रहा है। तो जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स का क्या हो रहा है, यहां पे डेवलपमेंट चालू है, ये देखिए फॉलिकल्स का डेवलपमेंट साथ साथ में रहता है। तो ये जब मेंस्ट्रुएशन रहेगा तो वहीं ओवरी के अंदर क्या रहेगा, ये फॉलिकल का डेवलपमेंट रहेगा, ठीक है। अब ये फॉलिकल्स जो होती है इनका डेवलपमेंट कौन से हार्मोन से जो है वो हम ये बोलते हैं कि कंट्रोल्ड रहता है, तो देखिए हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पोर्शन जो है वो क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH, ये दो हार्मोन को रिलीज करता है, ल्यूटिनाइजिंग एंड FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है FSH, वो फॉलिकल्स के मेंटेन के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट रहता है, जबकि ल्यूटिनाइजिंग जो होता है वो क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग ये ईस्ट्रोजन जो है उसको हम ये बोलते हैं कि ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन करवाता है और इसी के साथ साथ में हम ये बोलते हैं ओवरी से ईस्ट्रोजन सिक्रेट होगा और उसके साथ साथ में हम ये बोल रहे हैं कि वो ओव्यूलेशन जो होता है ना वो करवाता है, यानी कि जो ग्राफियन फॉलिकल है उससे ओवम को रिलीज करवाता है। तो दो फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं और दोनों एक्चुअल में एक साथ काम कर रहे हैं, बस इनकी क्वांटिटी हम बोलते हैं कम या ज्यादा सिक्रेट होती है। तो देखिए
तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो भी सीक्रेट हो रहा है और FSH जो है वो भी सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, दोनों के दोनों उस टाइम पे सीक्रेट होंगे। तो ये क्या करेंगे, ग्राफियन फॉलिकल जो है उसका क्या करवाएंगे, उसका डेवलपमेंट करवाएंगे, उसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहीं पे देखिए मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट होगा और ये मेंस्ट्रुएशन के बाद में कंडीशन क्या आएगी कि वापस से फॉलिकुलर स्टेज आ जाएगी। इस स्टेज के अंदर क्या होगा, जब ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा उसी टाइम पे जो आपकी हम ये बोलते हैं कि जो यूट्रस है उसके अंदर एंडोमेट्रियम जो होता है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये एंडोमेट्रियम जो है ना, इसका फॉर्मेशन क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, तो देखिए उसका रीजन जो रहता है वो रहता है ईस्ट्रोजन हॉर्मोन। तो ईस्ट्रोजन क्योंकि सिक्रीट होगा ग्राफियन फॉलिकल की लेयर से, ये ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करेंगे तो ईस्ट्रोजन क्या करवाएंगे, यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसका फॉर्मेशन करवाएंगे। तो देखिए ये एंडोमेट्रियम लेयर जो है ना इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ईस्ट्रोजन जो है ना वो काम करवा रहा है। तो जब ये LH और FSH सिक्रेट हुए तो वहीं उसी टाइम पे ईस्ट्रोजन भी सिक्रेट हुआ, ठीक है। बट फॉलिकुलर्स जो होती हैं, फॉलिकुल्स क्या करती हैं, जहां पर वो ईस्ट्रोजन रिलीज कर रही हैं, एट द सेम टाइम वो इनहिबिन को भी रिलीज करती है। इनहिबिन क्या करता है कि जो FSH होता है उसका जो सिक्रीशन है उसको एज कंपेयर टू LH क्या कर देता है, कम कर देता है। तो जब FSH जो है वो कम होता है, जब FSH कम होगा तो क्या कंडीशन आएगी, FSH के कम होने से फॉलिक्यूल्स जो है हम ये बोलते हैं कि वो उनका डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल के बाद में क्या होगा, अब ओव्यूलेशन होना होगा। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, जैसे ही हम ये बोलते हैं ऑलमोस्ट मिडल स्टेज के अंदर, यानी कि जब हम 13 to 14 डेज मान सकते हैं कि 13 to 14 डेज के अंदर क्या होता है, 30th डे या फिर 14th डे के अंदर क्या होता है, LH जो है उसका सिक्रीशन तो क्या हो जाता है, एकदम पीक में आ जाता है। FSH भी सिक्रीट होता है, उसका सिक्रीशन जो उसका पहले सिक्रीशन हो रहा था उससे तो ज्यादा होता है बट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से कम रहता है। तो वो भी अपने खुद के सिक्रीशन से अगर देखें तो बहुत ज्यादा है बट ल्यूटिनाइजिंग से देखें तो कम है। इसकी वजह से क्या होता है, इस कंडीशन की वजह से ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। तो ओव्यूलेशन किसकी वजह से हो रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से हो रहा है, ठीक है। प्लस में FSH भी होता है, मेन अगर हार्मोन पूछे तो देन आंसर आपको करना होगा LH, ठीक है। देन ओव्यूलेशन हुआ, अब ये जो ओवम है ये कहां जाता है, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुला इस्थमस जंक्शन जो है वहां जाता है फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और देखिए साथ साथ में क्या हो रहा है, साथ साथ में ये हो रहा है कि ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है और ईस्ट्रोजन जो है वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो हम ये बोले फॉलिकल्स जो है उसको रिलीज कर रही है। तो ये जो इसका लेवल जो होता है एकदम हम बोलते हैं मिड स्टेज में आकर ये ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है एकदम से। जब ये ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो एंडोमेट्रियम जो है ना वो और ज्यादा क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो एंडोमेट्रियम जो है वो क्या करे कि वो इतनी ज्यादा डेवलप हो कि वहां पे आराम से जायगोट जो है वो इम्प्लांट हो सके, ठीक है। तो देखो एंडोमेट्रियम जो है उसका जो लेवल है वो क्या हो गया, अभी बढ़ गया है, यानी यूट्रस में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम जो है वो उसकी लेयरिंग तो बढ़ रही है और यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन हो जाती है। जब कार्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन हो जाएगी तो कार्पस ल्यूटियम किसको रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरोन को। तो देखिए उसके बाद में ये जो फेज है जिसको हम ल्यूटियल फेज बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो गया, ओव्यूलेशन हो चुका है, तो आफ्टर 14 डेज के बाद में क्या होता है, सिक्रेटरी फेज आती है। इस फेज के अंदर कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाती है, तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो एकदम क्या होता है, हाई पे होता है, बहुत ज्यादा उसका क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि उसका सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब उसका सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर कंडीशन ये हुई कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी डेवलप हो गई, तो देन नेक्स्ट हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन जो है वो नहीं आएगा। अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ देन इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन जो है उसका भी रिलीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका रिलीज कम होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कंडीशन, जब उसका रिलीज कम हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम जो है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। डीजनरेट जब वो ये होगी आपकी एंडोमेट्रियम तो देन क्या हो जाएगा, सेकेंड मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है प्रोसेस एक साथ में आपको कंपेरेटिवली बताया, यूट्रस में क्या होगा, देन ओवेरियन हम ये बोलते हैं हॉर्मोन जो है उनमें क्या है, ओवरी से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है, इनहिबिन भी होता है। ओवेरियन इवेंट्स जो है वो भी आपको बताएं कि कैसे डे बाय डे आगे जो है बढ़ते हैं, और उसी के साथ पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है उनका लेवल। तो पिट्यूटरी हार्मोन LH एंड FSH का लेवल एकदम पीक में कब होता है, इन द मिडल ऑफ हम ये बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, एकदम मिडल के अंदर होता है। जबकि अगर आप देखोगे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है सबसे ज्यादा कब होता है, जब कार्पस ल्यूटियम जो है वो बन चुका होता है, यानी ल्यूटियल फेज के अंदर होता है। जबकि ईस्ट्रोजन जो है ना इसका लेवल सबसे ज्यादा कब होता है, जस्ट मिडल के अंदर, है ना, जब क्या हो रहा है, जब हम ये बोल रहे हैं कि एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन बढ़ रहा है ना, उस टाइम पे ईस्ट्रोजन जो है उसका लेवल भी बढ़ा है, क्योंकि LH ने ईस्ट्रोजन का लेवल भी क्या किया है, इंक्रीज किया है। और एंडोमेट्रियम जब फुल्ली डेवलप है तो उस कंडीशन में भी क्या है, ईस्ट्रोजन जो है उसका लेवल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है।
एंडोमेट्रियम, उसका डेवलपमेंट भी क्यों हुआ है, बिकॉज वो किसके कंट्रोल में हो रहा है, ईस्ट्रोजन के, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, जैसे ही कैप्चर ये हम ये बोलते हैं कि डीजनरेट हो जाएगी कार्पस ल्यूटियम, देन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन पीरियड वापस से आ जाएगा, देन सेकंड साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 28-29 डेज का ये साइकिल जो है कंटिन्यू हम ये बोलते हैं चलता रहता है। 50 की एज तक आते आते ऐसा होता है कि ये साइकिल जो है हम ये बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन जो है वो बंद हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोज बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो इन पे बनते हैं। ये देखिए, ये पूरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी को चार्ट के थ्रू हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। वापस से हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस किसको रिलीज कर रहा है, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवा रहा है दो हार्मोन, LH एंड FSH। LH क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये क्या काम कर रहा है, ये ओव्यूलेशन करवा रहा है, और इसकी वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन की वजह से कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो दोनों में से दोनों, ये तो दो बातें हैं, इसको कैसे भी समझ सकते हो कि ओव्यूलेशन हुआ तभी तो कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ। तो समटाइम ये पूछ ले कार्पस ल्यूटियम किसने फॉर्म करवाया, देन आंसर क्या होगा आपका, कौन सा हार्मोन होगा, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पूछे ओव्यूलेशन किसने करवाया, देन क्या आंसर होगा, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम पे 13 to 14 डेज के अंदर क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन एकदम पीक पे होता है ना, बहुत ज्यादा होता है उसका सिक्रेशन। अभी देखिए FSH क्या करवा रहा है, FSH भी, क्योंकि इसका भी क्या है, हम ये बोल रहे हैं सिक्रेशन बढ़ता है, बस LH से क्या होता है थोड़ा कम होता है, ये जरूर कंडीशन है, लेकिन FSH जो है वो भी ओव्यूलेशन करवा रहा है, बट ये सेकेंडरी हो गया ना क्योंकि LH ज्यादा है। तो हमें क्वेश्चन में अगर दिया गया हो तो आप LH दिया हो तो LH को मेंशन करिए, अगर दोनों अलग अलग में है, अगर कॉम्बिनेशन में कोई दिया तो LH प्लस FSH भी लिखा हो अगर तो वो भी राइट होगा, ठीक है। चलिए, FSH जो है ये क्या कर रहा है, ये आपके जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं उनका हम ये बोलते हैं डेवलपमेंट करवाता है, उसका फॉर्मेशन करवा रहा है, यानी प्राइमरी फॉलिकल से लेकर ग्राफियन फॉलिकल का जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट जो है वो किसके कंट्रोल में है, वो FSH के कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको क्लियर हो गई। नाउ बात करते हैं ईस्ट्रोजन की, तो ईस्ट्रोजन जो है ये क्या कर रहा है, तो देखिए ईस्ट्रोजन जो है ये रिलीज हो रहा है बाय फॉलिकल्स, ठीक है, फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन को रिलीज करवा रही है। ये क्या करते हैं, ये एक्चुअल में अगर प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई है तो उसको मेंटेन रखने का काम करवाएंगे, एंडोमेट्रियम जो है उसका हम ये बोलते हैं डेवलपमेंट जो करवाना होता है वो काम भी ये करवाते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ईस्ट्रोजन और उसके साथ में प्रोजेस्ट्रोन जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज हो रहा है, ये भी प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिलैक्सिन ये भी क्या करता है कि ये हम ये बोलते हैं कि जो आपका प्रेगनेंसी जो है उस प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो भी काम में आता है। उसके अलावा ये एक्चुअल में हमें बोलते हैं कि जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे जो प्यूबिस एरिया होता है उसको फ्लेक्सिबल कर देता है ताकि बर्थ जो है वो इजी हो, ठीक है। तो ये एक्चुअल में रिलैक्सिन जो है वो हमें बोलते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे होते हैं उसको कम करने का काम करता है। इनहिबिन जो है वो एक्चुअल में क्या करता है, वो FSH जो है फॉलिकल जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका सिक्रेशन को कम कर देता है, लेवल कम कर देता है, ल्यूटिनाइजिंग उसके कंपेटिवली फिर क्या हो गया, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ हॉर्मोन्स हैं जो कि रिलीज होते हैं किससे, बाय द फॉलिकल्स, फॉलिकल्स के थ्रू रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट के थ्रू हमने एक्सप्लेन कर दिया है इसको, अगर ये चार्ट आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तो आपको सारी चीजें याद अच्छे से हो जाएंगी, बुक में काफी अच्छे चार्ट दिए गए। चलिए, नाउ द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो देखिए स्पर्म जो है उसका डेवलपमेंट जब हो जाता है तो स्पर्म जो है एक्चुअल में जब वो फॉर्म होते हैं तो वो सर्टोली सेल्स के अंदर धसे हुए रहते हैं, ठीक है। देन स्पर्मी हम ये बोलते हैं कि स्पर्म्स जो है वो बाहर, हम ये बोलते हैं कि वो बाहर रिजेक्ट होता तो उसको हम स्पर्मिएशन बोलते हैं, एंड स्पर्म का पेनिस के थ्रू जब फीमेल हम बोलते हैं कि जेनिटल एरिया के अंदर जब उसका ट्रांसफर किया जाता है उसको हम बोलते हैं इनसेमिनेशन, कि सीमन जो है उसको ट्रांसफर किया जाता है। आफ्टर इनसेमिनेशन क्योंकि स्पर्म जो है वो टेल्ड है, स्ट्रक्चर मोटाइल है, तो वो खुद ही क्या करते हैं, मूव करते हैं एंड पहुंच जाते हैं कहां, जो आपका एम्पुला इस्थमस जंक्शन है ओवरी के अंदर, वहां पर वो पहुंच जाते हैं जहां पर प्रेजेंट होते हैं कौन, ओवम, आपका हम ये बोल देते हैं कि जो आपकी सेकेंडरी ऊसाइट्स हैं वो प्रेजेंट होती है। देन जैसे सेकेंडरी ऊसाइट सेल्स, ये हम ये बोल रहे हैं कि ये ओवम है जिसमें सेकेंडरी ऊसाइट सेल्स हैं, मल्टीपल कई सारे जो हैं वो हम ये बोलते हैं स्पर्म्स आते हैं, लेकिन जैसे ही स्पर्म्स का हेड जो होता है वो जोना पेल्यूसिडा इस लेयर को जब क्या करता है वो उसको भेद देता है ना उसको बाहर से, तो जब जैसे ही वो उसको चारों तरफ से, अभी याद रखिए जब ओव्यूलेशन होता है तो बाहर से एक लेयर जो होती है वो उसको कवर कर लेती है ओवम को, जिसको जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं, ठीक है। तो स्पर्म का हेड जैसे ही पेनिट्रेट कर जाता है किसको, जोना पेल्यूसिडा को, तो उसी के साथ में वो बाकी जितने भी स्पर्म्स है ना वो उसके अंदर नहीं जा पाते, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इससे कंफर्म होता है कि एक स्पर्म जो है वही क्या करता है, फर्टिलाइज करता है एक ओवम को। जैसे ही स्पर्म्स इसमें पेनिट्रेट करेगा, नाउ ये इंड्यूस करेगा
सेकेंड म्यूसिस को, ठीक है, जिसकी वजह से सेकेंडरी म्यू जो आपकी बोलते हैं कि सेकेंडरी वो है ऊसाइड सेल है वो डिवीजन करेगी, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन को कंप्लीट करेगी, जिससे वो भी अनइक्वल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि फॉर्मेशन होता है किसका, एग सेल का, और उसके साथ में हम ये बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है, ठीक है। एंड ये एग सेल जो है इसका जो न्यूक्लियाई है वो फर्टिलाइज होता है किसके साथ में, स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ में, और फर्टिलाइजेशन के बाद में बन जाता है क्या, जाइगोट जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है किसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, एग एंड स्पर्म जो है उनके दोनों के न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जब गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं। तो ये होता कहाँ है, ये एम्पुला स्थमस जंक्शन जो होता है वहां पे होता है। ये डायग्राम भी कई बार पूछ लिया जाता है, याद रखिए ये जो है सेल्स आउटर लेयर जो है ये क्या है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। फिर देखिए ये जो है आपको दिखाई दे रही है बाहर की आउटर लेयर जो नजर आ रही है ये क्या है, जोना पेल्यूसिडा, और जबकि ये पिंक कलर में आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये है पेरिवेंट्रिलाइन स्पेस, ठीक है ना। तो ये जो टर्म्स दी गई, और ये है स्पर्म्स, ओवम जो है सेंटर में लिख के आपको बता दिया गया है कि नीचे सेंटर में जो है ओवम है। डायग्राम बहुत ज्यादा एनलार्ज या बहुत अच्छा बन डायग्राम तो नहीं है क्योंकि हम इस पे नजर नहीं आ रहा है न्यूक्लियस का और ये सब, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने ये दिया है तो जिस हद तक हमें दिया है वो हमें उतना याद रखना है क्योंकि लेबलिंग वाइज क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जो डायग्राम पे मैं बोलती हूँ आपको फोकस करिए तो वो उसके लिए है, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, हम ये बोलते हैं कि जाइगोट जो है वो जाइगोट फिर कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन करता है। तो माइटोटिक डिवीजन जो है देखिए कैसे होगा, ये आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद में माइटोटिक डिवीजन होता है जिसे हम ये बोलते हैं जाइगोट, जो कि एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल हम ये बोलते हैं कि सिंगल सेल्ड होता है जाइगोट। तो वो फिर क्या करता है, अपने नंबर इंक्रीज करता है। माइटोटिक डिवीजन का रिजल्ट क्या होता है, एक से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, ऐसे सेल्स बनती है। तो ये देखिए भाई, एक से दो, दो से चार, चार से आठ जो है ये क्या बन गई है, सेल्स बन गई है, ठीक है। तो देखिए ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये जितनी भी सेल्स होती हैं जो माइटोटिक डिवीजन के बाद में फॉर्म होती है इन सबको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। और हम ये बोल रहे हैं कि जब ये हम ये बोल रहे हैं कि जब ये 16 सेल स्टेज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। तो मोरूला जो है ये एक्चुअल में क्या है, इनमें ब्लास्टोमियर्स होते हैं, एंड देन ये मोरूला आगे देन अगेन क्या करती है, अपने बीच में एक कैविटी बना लेती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे ब्लास्टोसिल जो है वो फॉर्म हो जाता है और इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये क्या करता है, ये जाता है कहाँ पे, आपके यूट्रस के अंदर, एंडो आपके जो मेट्रियम सेल्स होती हैं, एंडोमेट्रियम जो लेयर है वहां पर जाता है। तो एंडोमेट्रियम लेयर के पास जाकर ये क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो इसकी क्या है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है इसकी सेल्स, अगर आप देखो तो एक तो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर जो होती है इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की तरफ जो सेल्स होती है उनको हम बोलते हैं इनर मास ऑफ सेल, जो एक्चुअल में डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो फिर क्या करता है, पूरा का पूरा आपका जो हम ये बोलते हैं कि बेबी है, ह्यूमन बेबी, उसको डेवलप कर लेता है, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या करती है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जैसे ही हम ये बोलते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में जाकर वहां पे फिक्स होता है, तो देन वहां पे जो यूट्रस का ये जो एरिया है, यहां के जो ये एंडोमेट्रियम लेयर है, ये कंटिन्यू क्या करती है, डिवीजन करती है और उसको चारों तरफ से घेर लेती है, ठीक है। वो उसको चारों तरफ से घेरेगी, साथ में उसमें क्या होती है, कुछ ब्लड वेसल्स भी होती है जो भी उसको क्या करती है, चारों तरफ से यूं कवर कर लेती है। तो ये जो आपका डेवलपिंग हम बोल देते हैं एम्ब्रियो है, ये क्या हो जाता है, आपके यूट्रस के अंदर फिक्स हो जाता है, उसका इम्प्लांटेशन वहां पर हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, यहां की आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, ये क्या करती है, ये बाहर की तरफ इस तरह से अंदर बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो जाती है एंडोमेट्रियम में, ताकि नरिशमेंट ले सके डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। तो ये जो फिंगर जैसे प्रोजेक्शन बना लेती है अंदर की तरफ, उसको हम बोलते हैं कोरोनोविलाई, है ना। अब ये जो कोरियोनिक विलाई जो होती है, ये और इसके चारों तरफ जो यूटेरियन हम ये बोलते हैं टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स जो होती है, फिर ये क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है किसका, प्लेसेंटा का। तो प्लेसेंटा एक्चुअल में वो हम बोलते हैं एरिया होता है जो एम्ब्रियो को कनेक्ट करता है किसके साथ में, यूट्रस की वॉल के साथ में, ठीक है ना। तो उसको वहां पे कनेक्ट करता है, और हम ये बोलते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उससे प्लेसेंटा जो है एक्चुअल में कनेक्ट करता है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो हम ये बोलते हैं कि जो नरिशमेंट मिलता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को मदर के ब्लड के थ्रू, तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो कनेक्ट करती है यूट्रस की वॉल को किसके साथ में, आपके जो प्लेसेंटा है, जो बेबी का प्लेसेंटा है, एम्ब्रियो का, डेवलपिंग एम्ब्रियो का प्लेसेंटा है, उसके साथ में उसको कलेक्ट करने का काम करती है, ठीक है, कनेक्ट करती है। और उसके बाद में वही आपकी ब्लड सब जितने भी हम ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई है या कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल है, तो उसी के थ्रू होता है, और हम ये बोलते हैं प्लेसेंटा के थ्रू ही जो नरिशमेंट होता है ब्लड के साथ जाता है किसको, डेवलपिंग बेबी जो होता है उसको जाता है। तो फिर फर्दर जो है हम ये बोलते हैं कि
एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो जाता है और फिर उसमें भी कई सर्टेन चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये चार्ट वही ब्लास्टोमियर का क्या हो रहा है, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो आउटर लेयर है, देन वो एंडोमेट्रियम में उसके थ्रू अटैच हो जाती है। जैसे वो अटैच होती है तो यूटेरियन सेल्स जो होती है वो डिवाइड करती है और कवर कर लेती है उस ब्लास्टोसिस्ट को। देन ब्लास्टोसिस्ट जो है, हम ये बोल रहे हैं कि जो यूट्रस के अंदर क्या हो गया, प्लांट हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और इम्प्लांटेशन जब हो जाता है तो हम बोलते हैं कि अभी प्रेगनेंसी हो गई है। तो हम ये बोलते हैं कि 3 to 9 days जो है, जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद में 3 to 9 days जो है वो लगते हैं इम्प्लांटेशन के अंदर, ठीक है। और आफ्टर 15 days तो हम ये बोलते हैं प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और यही रीजन है क्योंकि प्लेसेंटा एक्चुअल में हॉर्मोन रिलीज करती है HCG, जिसको ही यूरिन के अंदर चेक किया जाता है और पता चलता है कि हाँ प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है। उसके अंदर की जो बाहर की ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, अंदर की होती है इनर सेल्स, जो एक्चुअल में क्या करती है, डिफरेंशिएट होती है, बनाती है किसको, एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो में क्या चेंजेस होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रेगनेंसी के बारे में वही कोरियोनिक विलाई प्लस यूटेरियन टिश्यू है ना, जो एंडोमेट्रियम के टिश्यूज है उनको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक्चुअल में क्या है, जो आपकी मदर की बॉडी है वो और एम्ब्रियो, इसके बीच के हम बोल देते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि उसके थ्रू क्या होता है, सप्लाई होती है किसकी, न्यूट्रिशन की, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका एलिमिनेशन भी होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी उसी के थ्रू होती है। यानी कि जब तक एम्ब्रियो जो है वो 9 month में डेवलप होता है, और तब उस स्टेज तक पूरे डेवलपमेंट में 9 month के दौरान जितना भी नरिशमेंट होता है वो सब उसके थ्रू ही जाता है बेबी को। चलिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या कंडीशन होती है, तो देखिए जो आपका प्लेसेंटा है वो भी कुछ हॉर्मोन रिलीज करता है। वो कौन कौन से हॉर्मोन है, जैसे एक हॉर्मोन तो है HCG, ठीक है, तो HCG जो है उसको रिलीज करता है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ये भी प्लेसेंटा के थ्रू भी क्या होते हैं, ये रिलीज होते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटा कौन कौन से हॉर्मोन रिलीज कर रहा है, एक तो आपका HCG कर रहा है, इसके अलावा हम ये बोलते हैं कि एक हम ये बोलते हैं कि लैक्टोजन हॉर्मोन होता है वो भी रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं HPL, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, इसको रिलीज करता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये चार हार्मोन है जो रिलीज होते हैं किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, और यही एक्चुअल में यूरिन के थ्रू जब बाहर रिलीज होते हैं तो उसको चेक किया जाता है कि प्रेगनेंसी सेट हुई है कि नहीं हुई है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जिनका लेवल बहुत हाई होता है, जैसे कि ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है, ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। इसके अलावा थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसका लेवल भी जो है वो बढ़ जाता है इस टाइम पे, तो और इसके अलावा प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, कार्टिसोल, ये वो सब हॉर्मोन्स हैं जिनका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। पहली बात तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं प्लेसेंटा कौन कौन से हॉर्मोन रिलीज कर रही है, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप याद रखिए ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि हम लोग फॉलिकल मेम्ब्रेन से भी पढ़ रहे थे कि उनकी जो मेम्ब्रेन है वो रिलीज करती है, उसके साथ में वो प्लेसेंटा भी रिलीज करती है। बट HCG है ना, ये और प्लेसेंटा लैक्टोजन जो है ये एक्चुअल में रिलीज होता है बाय प्लेसेंटा, है ना, केवल प्लेसेंटा से ही होता है, तो ओनली बाय प्लेसेंटा हम कह सकते हैं। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन के लिए नहीं कह सकते कि ओनली बाय प्लेसेंटा होते हैं या फिर ओनली बाय ग्रेफियो, हम ये बोलते हैं फॉलिकुलर मेम्ब्रेन हो सकता है, वहां ओनली वर्ड यूज नहीं होगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कई बार कंफ्यूज करने के लिए, तो उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए। चलिए, नाउ नेक्स्ट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो जो है जब वो क्या होता है, हमें बोले कि अभी डेवलपमेंट करता है 9 month के दौरान, तो उनमें सर्टेन चेंजेस आते हैं, तो वो पीरियड वाइज आते हैं, तो हम यूँ कह सकते हैं कि चेक कर पाते हैं और हमें पता चल जाता है कि हाँ अभी डेवलपमेंट हुआ है। तो वो चेंजेस जो होते हैं वो हर हमें बोलते हैं ट्राइमेस्टर में अलग 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 चेंजेस हमें डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट मंथ जैसे ही कंप्लीट होगा तब क्या होगा, हार्ट बीट जो है वो मतलब हार्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, हार्ट बीट करने लगेगा। तो आप जो है हम ये बोलते हैं ना कि जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को नोट वो कर सकते हैं बाहर से ही, अगर जो मदर होती है उसके वॉम के ऊपर स्टेथोस्कोप रख के उसको चेक कर सकते हैं आफ्टर 1 month, क्योंकि अब हार्ट जो है वो डेवलप हो जाता है, बीट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट साइन होता है ग्रोइंग फिटस का कि हाँ भाई पहला महीना कंप्लीट हुआ, उसने हार्ट बीट जो है वो अब सुनाई देने लगी है। एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, जैसे ही दूसरा महीना खत्म होता है तो लिम्स और डिजिट्स जो होती है वो सब डेवलप हो जाती है, ठीक है। जैसे ही हम ये बोलते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो कंप्लीट होता है, तब क्या क्या चीजें होती हैं, तो देखिए जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब ये हो गया
पहले 3 महीने, तो पहले 3 महीने हम 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ्स, देन सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4th, 5th एंड 6th, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 7, 8 एंड 9, ऐसे करके हम 3 टुकड़ों के अंदर 9 महीनों को हम बांट सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में क्या हो जाएगा, लिम्स जो है उनका डेवलपमेंट हम बोल देते हैं कि हो चुका होता है, एक्सटर्नल जेनिटल्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन भी हो जाता है, ऑर्गन्स जो है वो वेल डेवलप हो जाते हैं, यानी कि आफ्टर 3 मंथ्स जो है वो हम ये बोल सकते हैं कि जो कि चेक करते भी हैं कई बार, इलीगल है जो कि हमारे इंडिया के अंदर, कि बेबी जो है वो क्या है, कि मेल है या फिर फीमेल है, बेबी गर्ल है या बॉय है, इस चीज को चेक किया जाता है, जो कि बहुत गलत है, बट रीजन यही है कि आफ्टर 3 मंथ्स ही आप उसको चेक कर पाते हो, और इसकी वजह से बहुत सारी हम ये बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर इलीगल एक्टिविटीज भी होती हैं, और जो मदर होती है उसको बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस जो है उसको फेस करना पड़ता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। चलिए 5th मंथ जो है इसमें हम बोलते हैं फिटनेस का जो फर्स्ट मूवमेंट होता है उसको हम ये बोल सकते हैं कि फील करते हैं, आफ्टर 5th मंथ जो है मतलब उसका मूवमेंट से मतलब हुआ कि उसके जो लिम्स होते हैं वो मूव करना शुरू करते हैं, थोड़ा जो आपका डेवलपिंग हम बोलते हैं कि बेबी है वो मूव करना शुरू होता है, तो मूवमेंट जो होता है उसको आप हम ये बोलते हैं कि चेक कर सकते हैं 5th मंथ के अंदर, ठीक है, 5th मंथ के एंड तक आते आते, और उसी के साथ में हम ये बोलते हैं कि जो बेबी होता है ना उसके ऊपर जो उसके हेड के ऊपर ना हेयर्स जो होते हैं वो भी हम ये बोलते हैं कि आने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ये बोलते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म होता है तो पूरी की पूरी बॉडी पे जो भी हम बोलते हैं बाहर के जो हेयर है, बॉडी हेयर है, वो डेवलप हो जाते हैं, आईलिड्स जो होती हैं वो भी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, आईलिशेस जो है ये भी डेवलप हो जाते हैं, और जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट हुए यानी 3rd ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है, फिटस जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए क्या है, तैयार रहता है। तो जैसे ही फिटस जो है वो क्या हो जाएगा, फुल्ली डेवलप हो जाएगा, तो ये क्या करता है, ये ही साइन होता है कि जैसे वो डेवलप हो जाता है देन वो साइन भेजता है अपने न्यूरल सिस्टम के थ्रू, किसको, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में, और वहीं से फिर वापस हॉर्मोनल यानी केमिकल सिग्नल्स आते हैं जिसकी वजह से यूट्रस जो होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी जो है वो किसके कंट्रोल में है, वो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म जो होती है इसके कंट्रोल में रहता है, ठीक है। तो जैसे ही देखिए The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called gestation period. तो ये तो सिंपल लाइन है और gestation period की definition भी है। चलिए इसको तो छोड़ दीजिए, आगे देखिए, delivery हो जाती है जब fetus की, उसको हम क्या बोलते हैं, parturition बोलते हैं। But यहाँ पे parturition होता कैसे वो जानना जरूरी है। तो देखिए ये जो पूरी की पूरी मैकेनिज्म है ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है, इसमें क्या होता है जब भी जो बेबी है वो फुली डेवलप हो जाता है तो प्लेसेंटा ऑफ फिटस के थ्रू ये हम ये बोलते हैं कि साइन होता है या फिर सिग्नल मिलता है कि अब डिलीवरी होनी है, पार्चुरेशन होना है, ठीक है। तो ये नर्व्स के थ्रू ये हम बोलते हैं कि सिग्नल जाता है किसके पास में, आपके हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सॉरी ये एक्चुअल में रिफ्लेक्स एक्शन है ना, तो ये हम ये बोलते हैं कि जाता है किसके पास में, भाई आपके नर्व्स के थ्रू जाता है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे वो रिलीज करवाते हैं कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करवाते हैं। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है कि यूट्रस जो होता है उसकी स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है देन ये फिर से क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ये फिर से सिग्नल जाता है नर्व्स के थ्रू एंड देन और ऑक्सीटोसिन जो है उसका सिक्रीशन होता है, तो ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या है, बढ़ता जाता है, तो ऑक्सीटोसिन जितना ज्यादा सिक्रीट होता है देन यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन उतने ही ज्यादा बढ़ते रहते हैं, तो ये बोलते हैं कि धीरे धीरे ये स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन होना, और हम ये बोलते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे फिर ये कॉन्ट्रैक्शन खुद जो है ना एक रिफ्लेक्स क्रिएट कर देता है कि ये सिग्नल भेजता है, देन पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन जो है उसका लेवल हाई होता है सिक्रीशन का, देन उसकी वजह से फिर और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने से और ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है, तो इस तरीके से यूट्रस जो होता है मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन अपना करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेबी जो है उस पर हम ये बोलते हैं प्रेशर लगता है और वो वेजाइना के थ्रू जो है बाहर जो है वो उसकी डिलीवरी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे रिलैक्सिन हार्मोन भी जो है प्यूबिक एरिया को थोड़ा सॉफ्ट कर देता है ताकि उसका साइज इनलार्ज हो और बेबी जो है उसकी डिलीवरी इजी हो। चलिए तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो है उसकी वजह से क्रिएट होता है, रिलैक्सिन हम ये बोल देते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने का भी काम करता है, क्योंकि जैसे प्यूबिस एरिया जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होगा और साइज इंक्रीज होगा तो बेबी बाहर आएगा, तो उसकी वजह से उसका भी एक हम बोलते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ऑक्सीटोसिन के रिलीज पे, जो कि कम हो जाता है, और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन जो है स्मूथ मसल्स पे पड़ता है, तो जो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है, तो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो ऑक्सीटोसिन कम रिलीज होगा, वो कम होगा तो स्मूथ मसल्स जो है वो और कम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे,
देन ये फीडबैक मैकेनिज्म से कॉन्ट्रेक्शन जो है वो रुक जाते हैं आफ्टर बेबी की डिलीवरी, ठीक है। तो ये एक्चुअल में फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। तो ये है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, क्लियर। पार्चुरेशन हुआ, आफ्टर पार्चुरेशन जो फर्स्ट मिल्क जो है लैक्टेशन होता है, लैक्टेशन जो है हम कहते हैं मिल्क का मेमरी ग्लैंड से मिल्क का इजेक्शन जो होता है उसको हम लैक्टेशन बोलते हैं। और ये जो है जो फर्स्ट मिल्क जो होता है जिसके अंदर हम बोलते हैं IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये बेबी को पिलाना जरूरी है, जिसका येलो कलर होता है फर्स्ट मिल्क का, जिसको क्लोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि क्लोस्ट्रम क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट मिल्क जो कि मेमरी ग्लैंड से इजेकुलेट होता है बाहर, उसको हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसी पे बेस्ड, उनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं ताकि हमारे दिमाग में और फंडा क्लियर हो जाए। जैसे कि हाउ मेनी ओवा एंड स्पर्म्स विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम 100 सेकेंडरी ओसाइट्स एंड 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। तो देखिए क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट्स है यानी कि अब ये क्या करेंगी, ये करती है मियोटिक डिवीजन, है ना। 100 सेकेंडरी ओसाइट्स हैं, ये करेंगी मियोटिक सेकंड डिवीजन। और मियोटिक सेकंड डिवीजन जब होता है तो आप जानते हैं अनइक्वल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से एक पॉलर बॉडी जो है उसका फॉर्मेशन होता है और दूसरा हम ये बोलते हैं कि हमारी एग सेल जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो एक जो है वो डीजनरेट हो जाती है, केवल एक ही एग सेल बनती है। तो हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ओवा जो है वो कितने बनते हैं, 100 सेकेंडरी ओसाइट से केवल 100 ही बनेंगे, क्योंकि 100 बाकी के जो 100 है वो तो क्या हो गए, डीजनरेट हो गए। अगर यही कंपैरिजन करें हम 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से तो ये क्या बनेंगी, ये वो मियोटिक सेकेंड डिवीजन करेगी तो एक से दो सेल बनेंगी और दोनों ही स्पर्म्स हैं। तो यानी कि 100 से यहाँ पे तो क्या बनेंगे, 200 बनेंगे स्पर्म्स, जबकि 100 सेकेंडरी ओसाइट से कितने बनेंगी, 100 ही ओवा का फॉर्मेशन होगा। तो अभी आंसर आप मैच कर लीजिए कहाँ पे, 100 ओवा एंड 200 स्पर्म्स, तो ये है आपका ऑप्शन डी, ये आपका राइट आंसर है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। आपको सिर्फ डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है। आप जानते हैं ये लेयर जो है ये क्या है, कोरोना रेडिएटा, ये आउटर लेयर ये है जोना पेलुसिडा, जबकि ये पिंक कलर की जो है ये क्या है, पेरिवेटेलाइन स्पेस, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं पी, आप मैच कर लीजिए पी जोना पेलुसिडा, ये आपकी ए एन डी है, जबकि क्यू जो है ये है आपकी कोरोना रेडिएटा, यहाँ पर पेरिवेटेलाइन स्पेस लिखा है जबकि यहाँ पे कोरोना रेडिएटा लिखा है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, राइट है इसके अंदर। ये देखिए आपका राइट आंसर आपको मिल गया है। तो इस तरीके से आपको अगर डायग्राम्स याद है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। और इससे क्या है, आपको ना लेयरिंग वगैरह ये सब चीजें जो है थ्योरेटिकल पोर्शन वो भी याद हो जाता है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज करेक्टली मैच विद द टाइम पीरियड इन ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिलीज ऑफ एग, ओवुलेशन कब होता है, इन द मिडल ऑफ हम बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि 13 to 14 डेज में होता है ये, फिफ्थ डे लिखा है, दैट इज रॉन्ग, है ना, ओव्यूलेशन अभी नहीं होता, ये गलत हो गया आपका। एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स आफ्टर 5 to 10 डेज, ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि 5 डेज तक तो क्या होता है एंडोमेट्रियम का, हम ये बोलते हैं कि वो डीजनरेट होता है, एंड देन उसके बाद में 5 से लेकर 10 तक क्या होता है उसका, हमें बोलते हैं रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, जो हम फुल्ली और ज्यादा बढ़ जाता है जब कौन सी स्टेज आती है, ल्यूटियल फेज आती है, तब और ज्यादा उसका हम बोलते हैं डेवलपमेंट हो जाता है। तो रीजनरेशन इसका स्टार्ट 5 to 10 डेज में हो जाता है शुरू। एंडोमेट्रियम सीक्रेट्स न्यूट्रिएंट्स फॉर इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियम जो है वो न्यूट्रिशन जो है उसको इम्प्लांटेशन के लिए कुछ सीक्रेट नहीं करती है। एंडोमेट्रियम से हम ये बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल वो फॉर्मेशन होता है प्लेसेंटा का, और जिसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू वो मदर से कनेक्ट होता है एम्ब्रियो, जिससे नरिशमेंट उसको मिलता है। तो यहाँ पे सिक्रीशन जो है नहीं होता, सॉरी एंडोमेट्रियम जो है वो सिक्रेट न्यूट्रिशन फॉर इम्प्लांटेशन 11 to 18 डेज, बिल्कुल जब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी तब तक इम्प्लांटेशन कैसे होगा ना, ये एंडोमेट्रियम कैसे सिक्रेट करेगी, ये कोरियोनिक विलाई के फॉर्मेशन के टाइम की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल कोरियोनिक विलाई जब बनती है तो उस टाइम पे तो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो एंडोमेट्रियम से ही नरिशमेंट लेता है, दैट इज राइट, बट 11 to 18 डेज के अंदर वो जो है इम्प्लांटेशन के लिए सिक्रेट करते हैं, ये गलत है, क्योंकि 14 डेज के बाद में ओवुलेशन होगा, एंड देन ओवुलेशन के बाद में हम ये बोलते हैं कि अगर जो आपकी हम ये बोलते हैं कि उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना, जायगोट बन जाएगा तो नरिशमेंट मिलेगा एम्ब्रियो को, इम्प्लांटेशन उसकी वजह से 11 to 18 डेज में नहीं होता, ठीक है। राइज इन प्रोजेस्ट्रॉन लेवल 1 to 15 डेज, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जो है वो हाई होता है ल्यूटियल डेज में, आफ्टर 15 डेज जो है प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो दैट इज रॉन्ग, आंसर क्या होगा आपका, सेकेंड, एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स 5 to 10 डेज। चलिए
Immediately after ovulation, the mammalian egg is covered by the membrane is called. कौन सी membrane जो होती है उससे covered हो जाता है? जोना पेल्यूसिडा से, ये आपकी NCERT के अंदर दी गई लाइन है, B option right है. First और free milk is called, क्या बोलते हैं भाई इसको? Colostrum बोलते हैं, बिल्कुल. तो D. Match the item given in column 1 and those column 2 and the select the correct option given below. इनको हमें phases को मिलाना है. अभी देखिए क्या क्या है, तीनों फेजेस है. आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है उसका ब्रेकडाउन होता है. सिक्रेटरी फेज किसको बोलते हैं? ल्यूटियल फेज को हम सिक्रेटरी फेज बोलते हैं, ठीक है. और फॉलिकुलर फेज किसको बोलते हैं? प्रोलिफरेटिंग फेज जो होती है इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है उसकी, ठीक है. तो अब आप मैच कर लीजिए आंसर. ए से है आपका सेकेंड, तो आप ऑप्शन आपके पास में यही है. सी बचता है, बी में है आपका थर्ड एंड सी जो है उसमें है फर्स्ट, देन ऑप्शन जो है सी वो आपके लिए राइट है. चलिए देखिए मिल गया ना. आप अगर आपको आंसर मालूम हो तो टाइमिंग भी बहुत कम लगती है अपने अगर ढंग से पढ़ाओ तो. सिग्नल फॉर द ऑनसेट ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, फिटस एंड प्लेसेंटा जो है उसको करती है, हम बोलते हैं कि ओरिजिनेट करती है, जो नर्व्स के थ्रू जाता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के, हमें बोलते हैं कि पास में, जहां से ऑक्सीटोसिन, सॉरी हाइपोथैलेमस के पास में, ताकि हाइपोथैलेमस क्या कर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है जो ऑक्सीटोसिन को जो है वो रिलीज करवाता है, ठीक है. तो ऑक्सीटोसिन जो है वो फिर रिलीज होने की वजह से यूट्रस के कॉन्ट्रेक्शन बढ़ते हैं. तो ऑप्शन बी जो है फिटस एंड प्लेसेंटा, ये इसका आंसर क्या होगा? राइट होगा, ठीक है. चलिए सेवरल हॉर्मोन्स लाइक HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये किससे होते हैं? ये प्लेसेंटा से होते हैं. और ये मैंने आपको बताया कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो और भी हमारे पास में क्या है, पार्ट हैं, जैसे कि फॉर द एग्जांपल फॉलिकल्स एंड कॉर्पस ल्यूटियम, बट HCG एंड HPL के लिए प्लेसेंटा ही है जो रिलीज करती है इसको, ठीक है. तो HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन में से चारों ही प्लेसेंटा रिलीज करती है. यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट ही पूछा है, बट इसको कॉम्प्लिकेट करके पूछा जा सकता है. चलिए प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा क्या होती है? प्लेसेंटा होती है वही कोरोनिक विलाई जो है वो प्लस यूटेरियन टिश्यूज जो होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, जिसको हमने क्लियरली पढ़ा है अभी. और ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? बी. चलिए और ये है कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस जिनके आपको आंसर करने हैं, ठीक है. तो फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे आंसर करके बताइए. ये सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा और अगर आपने पढ़ा होगा तो. चलिए नाउ द नेक्स्ट, ये कुछ और क्वेश्चंस, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है फिर से. ये इसीलिए है ताकि NCERT का कोई भी डायग्राम आप ना छोड़े. तो प्लीज पढ़िए NCERT को अच्छे तरीके से और वीडियोस को फॉलो करिए. इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और मेरे साथ साथ पढ़ भी रहे हैं. आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में. तब तक बाय बाय.